हाल ही में निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। राज्य सरकार को भी हिदायत दे दी गई थी कि निजी अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ ना हो, बावजूद इससे हाईकोर्ट के आदेश का दरकिनारा करते हुए जबलपुर के सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल में मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत भर्ती करके उनका इलाज एक होटल में किया जा रहा था। जानकारी जब SP सिद्धार्थ बहुगुणा को मिली तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पुलिस ने होटल में रेड मारी, जहां 30 से अधिक मरीज होटल में भर्ती मिले। वहीं SP के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने राइट डाउन स्थिति सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल से लगे होटल में जब छापा मारा तो 30 से अधिक मरीज मिले। सभी मरीज आयुष्मान योजना के लाभार्थी थे। होटल नुमा अस्पताल में लापरवाही ऐसी कि एक पलंग पर दो दो मरीज को लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा था और सुविधाओं के नाम पर कोई भी आपातकालीन व्यवस्था होटल में मौजूद नहीं थी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान समय में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि होटल में अस्पताल का संचालन किया जा सके। कोविड काल में आइसोलेशन के लिए कुछ छूट दी गई थी, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं इस पूरे मामले में आयुष्मान योजना के साथ साथ अस्पताल संचालक के तरीके पर भी गंभीर सवाल खड़े करे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPM।